नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पा भवसार आज इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग में किस तरह से बात की जाती है उसकी कुछ टिप्स बताने जा रही हूं। मेरा यही कहना है कि चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, पर अगर वो पब्लिक के अंदर पब्लिक के सामने कुछ बोलना चाहता है, आता सब कुछ है हमको, हम बोलना चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारा नॉलेज है पर हम बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको हमेशा एक चीज का डर लगा रहता है कि अगर मैंने कुछ बोला और सामने वाले को बुरा लग गया तो मैं क्या करूंगी या मैं क्या करूंगा और मेरा ये बोलना बराबर रहेगा कि नहीं, कहीं तो मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। पर इस तरह से वो सोचते हैं और कभी बोलना चाहते हैं तो माइक उनके मुंह से बहुत दूर रहता है और कभी उनकी आवाज स्लो होती है, लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, तब जाके वो हंसी के पात्र बनते हैं। पर मेरी आपसे एक सुझाव है, आपको कुछ भी डर न रखते हुए यही सोचना है बोलते समय कि ये सब मेरे जैसे ही है और मुझे सुनने आए हैं, इसका मतलब जरूर मेरे अंदर कुछ ऐसा है कि मैं उनको कुछ मेरी बात बता सकती हूँ या बता सकता हूँ। तो उनको सबसे पहले एक बात है, स्टेज पे बिना झिझक के बिना डर के खड़े रहकर उनके सामने आंख से आंख मिलाकर हाथ में माइक नजदीकी से लेकर अच्छे से बात करना चाहिए। और जब वो शुरुआत करते हैं बोलने की तब उन्होंने ऐसे टोन से बात करना चाहिए कि पहले स्लो से बात करें, स्लो करते करते वो किस तरह से वो कहां रुके, किस तरह से वो मोटिवेशन कर सकते हैं सामने वाले को। आज हम कोई भी एक टॉपिक ले कि हम महिला का टॉपिक ले रहे हैं तो हम महिला की मदद करना चाहते हैं, तो मुझे महिला के विषय में बोलना है तो मैं महिला के लिए जो काम किए हैं मैंने या मेरा जो अनुभव है वो मुझे आम पब्लिक के साथ शेयर करना चाहिए। तो आप सिर्फ अपने नाम और कार्य से पहचाने जाए, इस तरह से आप अपना कार्य करें और बोलने की प्रैक्टिस करें। और चार लोगों के बीच में भी बोलना चाहे या 4000 लोगों के बीच में भी, पर आपका विश्वास खुद के ऊपर उतना ही होना चाहिए कि जो मैं कह रही हूँ या मैं कह रहा हूँ वो सच है, सही है। भले आप थोड़ा बोले, थोड़े से शुरुआत करें, पर थोड़े से शुरुआत करते समय आपके चेहरे पर न डर होना चाहिए, एक्सप्रेशंस होने चाहिए आपके चेहरे पर, ताकि आपकी बात लोगों तक पहुंचती है कि नहीं वो आपको पता चलेगा। आप बिंदास अपने मन की बात रख सकते हैं, भारत देश आजाद है, इनमें हमें कुछ भी हमारे विचार रखने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं ना, तो हमको डरने की क्यों जरूरत है। हमको सिर्फ यही सोचना है कि जो सच है वो हम लोगों के पास रख रहे हैं। सच बोलने के लिए कृष्ण भगवान भी कभी हारे नहीं थे न डरे थे, तो हम भी उनके ही विचार के ऊपर चलने वाले लोग हैं, तो हम भी जिंदगी में नहीं डरेंगे न हारेंगे। और इसी तरह से बहनों और भाइयों, आप आज से मुझे वादा करें कि आप अपने पब्लिक के बीच में बोलने की हिम्मत जरूर दिखाएंगे, और जब भी आपको ऐसा थोड़ा सा नर्वस फील होता है तब आप मेरा ये वीडियो जरूर देखें, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको उससे एक ताकत मिलेगी कि किस तरह से बोला जाता है। कि मैं इस तरह से बोलूं, एक बहन शिल्पा भावसार ने मुझे ये कहा था कि मुझे 4000 लोगों के बीच में भी बोलना है तो मुझे बोलना है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। मैंने तो मेरे कार्यकाल में ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो अनपढ़ लोग थे, साइन नहीं कर सकते थे, हस्ताक्षर करना नहीं आता था, अंगूठा मारते थे, पर वो आज औरत, अंगूठा मारने वाली औरत कखगा सीखकर अपना खुद का हस्ताक्षर करने लगी है। और अभी वो कभी माइक भी पकड़ना नहीं जानती थी, पर वो औरत आज माइक पकड़ के अच्छा खासा अपने विषय के ऊपर चर्चा कर रही है। चाहे भले वो कोई किसी भाषा को न जानती हो, पर बखूबी वो हिंदी भाषा तो जानती है ना, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो राष्ट्रीय भाषा में वो बहुत अच्छा विषय रख रही है। और ऐसी महिला को मैं बहुत नजदीक से जानती हूँ, मैंने खुद ने अनुभवा है, देखा है, तब जाके मुझे बहुत गर्व हुआ। और जब वो महिला अपने विषय रख रही थी तब काफी उसको शुरुआत में नहीं बोलना आ रहा था तो लोग हंसते थे, तब मैंने उनको टोका है, ऐसा मत हंसिए, हमारी ही एक बहन कुछ विषय पर लेकर हमारे पास आई है, कुछ मुद्दे लेकर आई है, कुछ समस्या लेकर आई है, तो अगर उसको टूटा फूटा बोलना आता है तो हमको टूटा फूटा
फूटा समझना भी चाहिए ताकि हम उसको सुधार सके और वो टूटा फूटे में से ही वो कुछ अच्छी बातें आगे रखना सीख जाएगी। और उतना करते करते आज वो महिला इतना अच्छा समस्या के ऊपर डिस्कस कर सकती है, चर्चा कर सकती है और उसका निकाल लाना सीख गई 5 साल के अंदर। तो ऐसी महिलाएं भी हमारे पास है, हमारे देश में है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो घरेलू महिला घर में है उनको भी मैं वो ताकत दूँ कि वो जो अन्याय सहन करती है, वो बोलना नहीं चाहती, और बोलना चाहती है तो डरती है, किसी न किसी से डरती है, कभी समाज से डरती है, कभी घर वालों से डरती है, कभी परिवार से डरती है। अगर आप सच्चे हो, आपके अंदर कोई गलती छुपा हुआ नहीं है, आपके अंदर मन में कोई पाप नहीं है, तो फिर आपको डर किसका? आप बिंदास अपना जीवन जिए और आप अपने विचार लोगों समक्ष रखे और दुनिया समक्ष रखे, समाज के सामने रखे, परिवार के सामने रखे, ताकि आपको उस विषय में न्याय मिले, आपकी समस्या का समाधान हो। मेरा ये वीडियो मोटिवेशन का अगर आपको पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक ये बातें पहुंचे और बहुत सारी बहनें इसका लाभ उठा सके और आगे बढ़ सके।